आज हम चैप्टर नंबर 13 के जो फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एग्जांपल 13.1। एग्जांपल 13.1 जो है इसकी स्टेटमेंट के साथ साथ हम इसका डाटा जो है वो लिखते जाते हैं, और डाटा के बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.0 इंटू 10 इज़ टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं एन, और इनकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड, टाइम जो है वो आपको गिवन है 1 माइक्रो सेकेंड, आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 इज़ टू पावर -6 सेकेंड्स। फाइंड द करंट इन एम्पेयर, आपने करंट को जो है वो फाइंड करना है एम्पेयर्स के अंदर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, और चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 इज़ टू पावर -19 कूलम। अब इसमें देखिए करंट जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा कि करंट का फार्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब इसमें देखिए हमें क्यू जो है वो गिवन नहीं है, टी गिवन है। क्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू टोटल, ये बराबर होता है हमारे पास एन ई के। ये आपको जो चार्ज है ये ई के बराबर दिया हुआ है, तो ये एन ई डिवाइडेड बाई किसके आ जाएगा, टी के। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो एन की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, और टी की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो अगर आप इसका करंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर, या फिर आप इसको जो है वो लिख सकते हैं 1.6 माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि 6 10 रेज़ टू पावर -6 जो है वो किसके बराबर होता है, माइक्रो के। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जांपल है 13.2, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, तो इसलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसका डाटा रो जो है वो राइट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 0.75 एम्पेयर करंट, करंट की वैल्यू है 0.75 एम्पेयर्स, फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर, एक आयरन की वायर के अंदर से गुजर रहा है। व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट, बैटरी है हमारे पास 1.5 वोल्ट की, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 5 मीटर, वायर की लेंथ है 5 मीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर स्क्वेयर। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन, आपने इसकी रेजिस्टिविटी जो है इसको सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन जो है ये हमारे पास कैसे होगा, देखिए हमारे पास करंट की वैल्यू है वी है, एल है, रेजिस्टिविटी हमने फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी का हमारे पास फार्मूला होता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब इसमें हमें ए भी गिवन है, एल भी गिवन है, लेकिन आर गिवन नहीं है। आर निकालने के लिए हम यहाँ पे आई और वी का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वी किसके बराबर होता है, आई आर के, तो आर किसके बराबर होगा, वी ओवर आई के। वी की वैल्यू है 1.5, आई की वैल्यू है 0.75, तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये निकल आएगी 2 ओहम। अब जो है वो हम इसकी रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, आर ए डिवाइडेड बाय एल के। आर की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, और लेंथ है इसकी 5 मीटर। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है ये हमारे पास निकल आएगी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, और इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। तो ये देखें कि हमने ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करके सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाली, और फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एरिया और लेंथ को पुट करके हमने उसकी रेजिस्टिविटी को भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल करेंगे वो है एग्जांपल 13.3। ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसका सबसे पहले जो है वो हम डेटा नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अ प्लाटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी कि आर नॉट है
10 ओहम, और टम्परेचर T0 जो है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 20 ओहम एट 273, टम्परेचर है जी हमारे पास 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सबसे पहले आपने जो है वो 273 ऐड करके केल्विन्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास जो है वो कितना निकल आएगा 273। तो ये हमारे पास जो है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड्स है। हम इसको जो है वो सबसे पहले, तो ये हम इसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें 273 ऐड करके, तो ये कितना आ जाएगा 546 केल्विन्स। अब इसमें देखें कि टी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओहम, यानी कि पहले 10 थी अब 20 हो गई, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस में इजाफा हुआ। हम यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं टी में से टी नॉट को माइनस करके, यानी कि 546 माइनस ये आ जाएगा आपके पास प्लस 273 करके 273 केल्विन, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड के, या फिर इसको आप 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब जो है वो सेम होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम होता है। आप इसको केल्विन्स में भी लिख सकते हैं और आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी। ये देखिए हमने क्या किया है, टी नॉट को सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट किया, फिर टी को केल्विन में कन्वर्ट किया, टी में से टी नॉट को माइनस कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस निकल आया। फाइंड जो है वो आपने इसके अंदर क्या चीज़ करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपने टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। इसमें देखें कि बहुत ही सिंपल सा जो है वो इसका सोल्यूशन है हमारे पास। हम अल्फा का यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। आर टी की वैल्यू है हमारे पास 20, आर नॉट की वैल्यू है 10, आर नॉट की वैल्यू अगेन हमारे पास 10 आएगी, और डेल्टा टी जो है ये हमारे पास कितना है 273। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.66 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3, और इसका यूनिट क्या होगा पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी तीन फर्स्ट जो है वो एग्जांपल्स थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है।